बुढ़ी, आज तुम्हारा भाई ढूंढ रहा है कोई अच्छी सी जगह जो मेरा पेट और मेरी जेब दोनों का ख्याल रख सके। तो मैं पूरे हैदराबाद में ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मेन्यू भी ज़्यादा और चीपेस्ट प्राइस में आप लोगों के लिए लाऊं और मैं खुद भी खाऊं और आप लोगों को भी इंजॉय करवाऊं। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी सी जगह, लोकेशन देखते हैं, ढूंढते हैं। अभी 10 मिनट में हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में और आपको दिखाता हूँ कोई VIP सा होटल जिसमें बहुत सारा मेन्यू चीपेस्ट प्राइस में और VIP टेस्ट के साथ। अभी हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत। हाँ तो मेरे चीतो, मैं हाजिर हो गया हूँ एक VIP होटल के साथ, ठीक है, जो बहुत ही कदीमी है। मैंने ढूंढ ही लिया आखिरकार पूरे हैदराबाद में। मुझे मेरे बड़ों ने बताया था कि भाई ये बहुत चीपेस्ट प्राइस में VIP होटल है। तो ये है वो होटल, मन्नान होटल। यहाँ चलते हैं, यहाँ खाएंगे खाना और फिर देखेंगे इनका मेन्यू के कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारा इंतज़ार कर रही हैं। बकरा वकरा जो भी है इनके पास, दाल वाल जो भी, सब्ज़ी वब्जी सब टेस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे। या जो इनकी फेमस डिश है वो चेक करेंगे और बात करेंगे इनके मैनेजर से या ऑनर से जो भी है अंदर चल के, और फिर आपको दिखाएंगे एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे और फिर आगे चलते चलते बात करेंगे। आए मेरे साथ। हाँ तो व्यूवर्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, मेन्यू तो बहुत सारा है। तो सिलो सिलो चलते हैं मेरे साथ, बात करते हैं और आपको दिखाएंगे एक एक करके कौन कौन सी चीज़ें मेन्यू में हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं। बाकी सालन वालन जो भी है इनके पास वो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत है, अल्लाह करम। क्या नाम है आपका? शायद। क्या? शायद। शायद भाई क्या बनाते हैं आप? हम लच्छे वाले पराठे बनाते हैं, चिकन पराठे बनाते हैं, आलू पराठा बनाते हैं। अच्छा, और बस क्या टाइमिंग है आपकी? शाम 4 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक। 2 बजे तक एक हमारी। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पे कौन सा पराठा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा चलता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा पराठा जो है हमारा वो है पूरी पराठा। पूरी पराठा सबसे। और यहाँ पे जो 3-4 किस्म के आपने पराठे बताएं, कौन सा पराठा ज़्यादा चलता है यहाँ? अच्छा पराठा ज़्यादा चलता है। अच्छा चलता है। तो आप मेरे साथ बात करते करते पब्लिक को बना के एक दिखाएं। हाँ, तो फिर पब्लिक को बताते जाना है कि कौन कौन सी चीज़ें। माइक लगा हुआ। शायद भाई सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप? मैं इसको बेल रहा हूँ। हाँ बेले हैं आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसको बेल के फिर इसको जाना इंशाल्लाह। मतलब आपकी टाइमिंग है 4 से लेकर अलग 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 करे रात के 2 बजे तक। रात के 2 बजे तक कभी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है? कोई मसला हो जाती है, कोई उसका इश्यू नहीं है। अच्छा अच्छा, इसको पीटते भी है ना? वो पीटते भी हैं, वो भी करके दिखा देते हैं अगर आप चाहें तो। वो भी जाहिर सी बात है, वो भी है। हमारे यहाँ पीटने का इतना रिवाज नहीं है। हाँ बस बस व्यूअर्स को एक ही बना के दिखाएं, इतना ऑयली खाऊंगा नहीं मैं। बस ज्यादा बड़े प्यार से इसको ऐसे फुल ये देखिए आंटियों वाले हाथ से ये आ गया। ये हमने पीट लिया इसको, इसकी रोलिंग और बड़े प्यार के साथ इसको रोल किया, उसके बाद हल्की सी घी लगाई, इसका ये लच्छा बन जाएगा। हां लच्छा बन जाएगा। अच्छा ये वाला जो पराठा है ये कौन सा? ये लच्छा पराठा। और वो वाला भी है। फर्क क्या है फिर? मतलब तो लच्छा ऐसे ही तो बनता है फिर इसका। अच्छा चलो मुझे बना के दिखाओ। आपको बना के दिखा रहा हूं मैं। लो भाई मेरे चीतो, ये लच्छा बन रहा है। मैंने सोचा कि इतनी सारी चीजें एक एक करके भाई लोगों को दिखाऊँ और उनको बताऊँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये है लच्छा पराठा, बड़ी नज़ाकत के साथ तवे पे फेंका और यूं करके बनाया और फुल मम्मी वाले स्टाइल से इसे रोल करके उसमें हल्का सा घी लगा के मम्मी वाला पापा वाला। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? पाँच से दस मिनट। इतने में अम्मी 10 पराठे बना लेती है, आपको पता है इतनी स्पीड होती है अम्मी की। वो अम्मी वाले जो है ना वो अलग चीज है। हाँ वो अलग चीज है, इसके ऊपर मेहनत ज्यादा होती है। हाँ ये तो है। और ये हैवी भी है क्योंकि इसके अंदर दूध डलता है, चीनी डलती है, अंडा डलता है। अच्छा मैदा डलता है, मैदे के बगैर तो ये बनेगा ही नहीं। अच्छा और इसके साथ लोग क्या खाना पसंद करते हैं? पराठे ऐसे ही पराठा तो खाते हैं। ये जो चाय के साथ ज्यादा वो ज्यादा मजा करता है और अंडे के साथ। अंडे के साथ बरल वो लोगों की मर्जी है, सालन के साथ खाएं। वो तो हर किसी की अपनी अपनी एक वो है। हाँ गुड हो गया। अब जो मेरा पेट जो है ना मुझे कोस रहा है कि भाई क्या कर रहा है, जल्दी कर कुछ डाल अंदर। अभी डाल गया है। ओ मेरे भाई। अच्छा तो इसके बाद हम
पराठे के बाद हम कवर करेंगे अगली चीज। ये लच्छा पराठा है, वो वाला कौन सा? वो वाला पूरी पराठा है। पूरी पराठा में उसका साइज इतना बड़ा, मेरे मुंह से भी बड़ा, पूरी कम और पराठा ज्यादा लग रहा है। चलो देखते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आपके? हाँ, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे चाहने वाले यहाँ पे आए हुए थे। मैंने आपको दिखाया मेरे यार दोस्त यार बेली, पता नहीं एवं यार बन गए थे। गया फिर उनसे बातचीत की, उनसे टेस्ट के बारे में पूछा और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद हम, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं निहारी और भी सालन हैं जो निहारी मतलब लोगों को सर्व करते हैं, वो भी दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे कि निहारी में और क्या क्या चीज़ें हैं। और पाए भी हैं, आई थिंक पाए दो किस्म के हैं, बकरे के भी और जो आपको पता है गाय के, वो भी हैं। उनसे बात करेंगे, पहले ये बन जाए बनते हुए। तो जब तक ये बनता है हम चलते हैं न्यारी वाले के पास, भाई से लेते हैं माइक और माजरत करते हैं। ये बन गया बस दो मिनट के अंदर, भाई ने बोला 5 मिनट में बनेगा और 2 मिनट में भाई ने हमारे लिए बना दिया चूल्हे को तेज करके। हाँ अच्छा, मैंने सुना उसको ऐसे 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 करके पीटते भी हैं। नहीं नहीं, वो पीटने वाला स्टाइल नहीं है, वो ऐसे ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे करके। हाँ गुड, डब गया वो भी करके दिखाते हैं। तो मतलब ये गरम गरम कोई गरम गरम, चलो मजा आएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, क्या हाल है आपके? मजे में। ब्लॉग का नाम क्या है? ब्लॉग का नाम, हमारे ब्लॉग का नाम है चॉइस फॉर एंटरटेनमेंट। ये लें आप, ये लें, मैं आप लोगों के लिए हर चीज मेरे पास अवेलेबल होती है मेरे भाई। ये देखें अभी आप, ये 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 काम की तरफ आओ। हाँ, इसको कैसे पीटेंगे? ये गचा, ओह हो, बेरहमी के साथ उसके साइज की वेरिएशन करते हुए ऐसे बस हो गया था यार। हो गया ये। ओके, अभी आप इसको खाएं। अच्छा बिस्मिल्लाह। तो गाइज ये है लच्छा पराठा, इसको बड़ी नजाकत के साथ, बड़ा गरम गरम है, तो भाई की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इनका रोज का काम है। बड़े स्टाइल के साथ इन्होंने इसको मतलब क्या किया, आपने क्या किया इसको? इसको यूं किया, यूं पुश किया, थोड़ा सा हल्का सा इसको पुश किया, पुश किया। हां पुश किया। अब आपको ये दिखाने के बाद हम चलते हैं न्यारी न्यारी की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई से लेते हैं माइक। शायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं न्यारी की तरफ। अयाज भाई और तबीयत ठीक है आपकी? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते? 11 साल। मतलब आपने अपनी जिंदगी का आधा टाइम दे दिया यहाँ पे, माशाल्लाह। तो आप पब्लिक को ये बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपके पास? ये हमारे पास याद नहीं है, तो मुझे ये भी बताएं कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास ये वाले मेन्यू में, न्यारी पाए वगैरह जो है, कौन सी ऐसी चीजें वैसे जो ज्यादा सेल होती है, ज्यादा बिकती है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं? न्यारी है, लोग कहते हैं कि यही हो बस, हम हो और न्यारी हो। पाया भी अच्छा है। तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहेंगे कि यहाँ जब भी आए कौन सी ऐसी चीज है जो टेस्ट करनी चाहिए, बताएं पब्लिक को? यहाँ के पाए अच्छे हैं, निहारी अच्छी है, बकरे का, घोड़े का, माशाल्लाह सब चीजें यहाँ की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अब हम चलते हैं नागरिक, उनसे बात करते हैं, अब चलते हैं हम। हाँ, तो मेरे चीतो मनान होटल पे घूमते घूमते मैं ज़रा ऊपर आया, तो ऊपर जगह ढूंढते ढूंढते मेरे चंद दोस्त मुझे मिले, तो इनसे करते हैं बात। आइए चलते हैं मेरे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे चीतो, ये है उनका प्यार, तो करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाई के? तभी ठीक है, मजे में। ऐसे नहीं करते भाई, भाई से बात करेंगे। भाई को, भाई की आंखें बहुत प्यारी हैं, बात कर रहे हैं ना मुझे भाई। तो भी भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तभी ठीक है आपके? और खाना कैसा है यहाँ का? अच्छा, गुड हो गया, सही है। उसके पैसे बिल्कुल देंगे, आप देंगे, अमेरिकन सिस्टम करेंगे, 10-10 रुपए मिलाएंगे, देंगे, मसले नहीं, सारे भाई हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं मनान होटल में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है? पराठे। अच्छी चीज़ पराठा, सिर्फ
अच्छा पराठे के अलावा सालन न्यारी सारे सारे अच्छे। आप कितना टाइम हो गया आप यहाँ आ रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह सारे दोस्त हैं। अच्छा साथ में काम करने वाले हैं या लंगोटियाँ आ रहे हैं? नहीं काम भी करते हैं लंगोटियाँ यार भी। अच्छा तो मेरे जो दोस्त जो मेरे भाई बहन जो मेरे जितने भी मेरे चीते हैदराबाद के सिपाही चाहिए एक मिनट रुको जरा जितने भी मेरे हैदराबाद के सिपाही आपको देख रहे हैं आप उनको क्या बोलेंगे ये मनान होटल का टेस्ट कैसा है? वो तो सुन ही नहीं रहे ना सब लगे हुए हैं। मनान होटल का टेस्ट क्या है? हां आए आप भी चेक करें। और चेक करें एंजॉय करें और जो आपका जो आप खाते हैं वो भी बताएं कि ये आगे जरूर टेस्ट करें भी बताएं ये आगे जरूर टेस्ट करें मनान होटल पर। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा उनको नाम भी तो बताएं अपना। मेरा नाम अहमद रजा। अहमद रजा बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ तो व्यूअर्स एक और भाई हमें बैठे हुए नजर आए तो मैंने सोचा इनसे भी चंद बातचीत की जाए गपशप की जाए इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास क्या नाम है आपका व्यूअर्स को बताएं? अहमद भाई कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? और आप ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आप यहाँ आते हैं? अच्छा तो आप दोस्तों के साथ आते हैं या अकेले भी या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ की जगह ही नहीं है फैमिली वाली। अच्छा वो तो मुझे कह रहे थे नीचे यहाँ फैमिली हॉल भी है हमारे पास और एक एनवायरनमेंट देखकर बंदा आता है। अच्छा तो आप यहाँ जैसे होता है ना वो भाइयों ने बताया हम जुम्मे के जुम्मे आते हैं तो आप पूरे वीक में आते हैं या मंथ में बताएं? वीक में चक्कर लग ही जाता है आज इन दोस्तों के साथ हैं कल किसी दूसरे दोस्तों के साथ होंगे तो सबको टाइम देना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है सबको टाइम देना पड़ता है यारी दोस्ती है फिर निभानी तो पड़ती है। अब मुझे ये बताएं कि ये मनान होटल में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है जब भी आते हैं आपका दिल करता है यार ये ज़रूर टेस्ट करके जाऊँगा? अगर देखा जाए तो इसकी जो है अगर मिनिमम अगर प्राइस में देखा जाए और अगर एक्सपेंसिव में तो फिर यहाँ पर कुछ है नहीं तो यहाँ पर जो है ना छोले से ज़्यादा अच्छे हैं टेस्टी है। अच्छा और प्राइस भी नॉर्मल है भी सही है। अच्छा तो ऐसा ये टेस्ट अच्छा है बंदा हाथों में भी सकता है जब होता है तो अमेरिका में जितना होता है नॉर्मली बात है सारी संगत में नहीं होता है और ये कि यहाँ का टेस्ट अच्छा है। अच्छा सही है मतलब एक संगत के हिसाब से बेहतरीन हो गया। अब एक और बात मुझे बताएं कि जब से आप यहाँ आ रहे हैं यहाँ का टेस्ट चेंज हुआ है या नहीं या वैसा का वैसा ही? थोड़ी चीज़ों में हुई है पर छोले वहीं के वहीं हैं। छोले वहीं के वहीं तो आप पब्लिक को क्या बताएंगे कि यहाँ की तो कौन सी चीज़ आप पब्लिक को बताएंगे कि यहाँ आएँ और ये टेस्ट ज़रूर करें व्यूअर्स को देख के बताएं वहाँ देख के? शर्माना नहीं है पापा की परियाँ भी देख रही हैं मामा के राजकुमार तो बैठे हुए सारे नीचे भी ऊपर भी। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ना अगर आप हैदराबाद के हैं और अगर दूसरे शहर के भी अगर देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे प्रोविंस के या दूसरे सिटी के तो यहाँ पर आए देखा जाए तो यहाँ पर टेस्ट बढ़ा जा रहा है और जो है प्राइस भी जो है ना इसके अफोर्डेबल है हर बंदा यहाँ पर आ जा सकता है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं टेस्ट भी अच्छा है और प्राइस भी अफोर्डेबल है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आ जाए। बहुत 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 शुक्रिया आपने पब्लिक को बताया थैंक यू सो मच आपके दोस्तों का भी और आपका भी थैंक यू हमारे यहाँ थैंक यू ऐसे होता थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर सही है ओके। हाँ तो व्यूअर्स बात करते हैं एक और नए शख्स से जो मनान होटल में बैठे हुए थे तो मैंने सोचा जैसे जैसे लोग इंटरव्यू लेते जा रहे हैं जो जो हमें नज़र आ रहे हैं बैठे हुए तो इनसे भी गुफ्तगू की जाए जिस तरीके से दूसरों से कि इनसे भी करते हैं इनसे बात करते हैं मनान होटल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है तबीयत ठीक है आप? जी शुक्र है सर। क्या नाम है आपका व्यूअर्स को बताएं? मेरा नाम है सिराज हसन। सिराज हसन नाम माशाल्लाह नाम अच्छा है। सिराज भाई आप मुझे ये बताएं कितना टाइम हो गया आप यहाँ पे आ रहे हैं? हमें तो काफ़ी अच्छा हो गया है इधर आते हुए तकरीबन एटलीस्ट 15 साल तकरीबन हो चुके हैं ना। मेरी ऑफिस भी इधर ही बैक साइड पे पोल्ट्री मार्केट में और हमारा जो है वो मेडिसिन का और पोल्ट्री बिजनेस है हमारा ना। माशाल्लाह अब मुझे आप ये बताएं कि जब भी आप यहाँ आते हैं यहाँ पे कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप जब भी आए आप कहते हैं कि ये यार ज़रूर टेस्ट करके जाएँ? मनान होटल वैसे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिप्यूट है इसकी अच्छी एक रिप्यूट है बट ये कि मनान होटल की निहारी और मनान होटल के छोले बहुत टेस्टी हैं। मैं बोलता हूँ कि मतलब मैंने सब जगह तकरीबन ट्राई किया है हम ऑल ओवर द पाकिस्तान वर्किंग हमारी है इसके अलावा सिंध बलूचिस्तान
तो हमारा कंटिन्यूसली मतलब जो है वो विजिटिंग वगैरह होती है और होटलिंग हम करते हैं एटलीस्ट। बट ये कि जो यहाँ का टेस्ट है ना वो हमें कराची निहारी में भी नहीं मिला, जो मनान की निहारी में टेस्ट है। अभी तक इनके टेस्ट में कोई फ़र्क आया है कि नहीं? नहीं जी, मनान के बिल्कुल टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि टेस्ट और मजीद निखरता जा रहा है ना। माशाल्लाह। और इनके जो रेट हैं वो कैसे? रेट भी इकोनॉमिकल है, अच्छा जाए तो रेट भी बहुत इकोनॉमिकल है। कराची में जैसे अजीज़ाबाद की निहारी है, सही है, वहाँ पर भी हमने खाना खाया, सही है, वहाँ की निहारी खाई पर इतना टेस्टी नहीं लगा जितना मनान के मतलब हमें टेस्ट में। माशाल्लाह। हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि आप तमाम दोस्तों को बताएं कि भाई मनान होटल आएँ और यहाँ पे एटलीस्ट निहारी ज़रूर टेस्ट करके जाएँ, और यहाँ का एनवायरनमेंट माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशादा एनवायरनमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया डॉक्टर साहब। फिर मिलते हैं, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं, और आपके साथ बात करते करते आपको सारी चीज़ों का एंजॉय कराते कराते और व्यू दिखाते दिखाते आपसे बात करते करते आगे बढ़ते हैं। आए मेरे साथ आगे बढ़ते। हाँ तो व्यूअर्स, अब सारा घूमने के बाद मैं मनान होटल की एक पुरानी शख्सियत यानी कि पुराने वर्कर जो हैं, जो जिनकी बहुत खिदमात है मनान होटल में, तो चलें आएँ उनसे बात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ का ये मतलब बहुत कदीमी है, कितना टाइम हो गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो भाई ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला शाह है, मैं मनान होटल के जनरल से और आज हैदराबाद रोड के स्टूडेंट एसोसिएशन के मरकजी फिनानी सेक्रेटरी भी हूँ। तो भाईजान आप मुझे ये बताएं कि मनान होटल है, इसको कितना टाइम हो गया है, कितना पुराना है? बस अल्हम्दुलिल्लाह ये 50 साल से पुराना, 50 साल से ऊपर हो गया इसका टाइमिंग। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अभी तक। अच्छा, तो एक और बात मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मेन्यू में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट टाइम नाश्ते से स्टार्ट होता है, यानी सुबह फजर के बाद हमारा नाश्ता तैयार होता है, और नाश्ते में बकरे का पाया, बड़े का पाया, नली पाया, माहा निहारी, नली निहारी, स्पेशल निहारी, छोले हो गए, ऑमलेट हो गया, लच्छा पराठा हो गया, पूरी पराठा हो गया, चिकन पराठा हो गया, इस तरीके से पूरी पराठा हमारे पूरे हैदराबाद में बाकी पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है। जो पराठा मैं दे रहा हूँ जिसका वेट वजन हिसाब किताब आपने अपने आप से देखा, और इंशाल्लाह मैं आपको देखा भी चेक कराऊंगा कि भाई ये क्या चीज़ है। मतलब ये सुबह सुबह से खुलता है? सुबह फजर के नमाज आप पढ़ो और उसके बाद हमारा नाश्ता तैयार होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैदराबाद की आवाम हमारे नाश्ते से लुत्फानंदोज़ होते हैं, और नाश्ते में हमारे पास बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, और अनकरीब इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इसी खाने के साथ साथ हम सुबह में स्पेशल किस्म की बिरयानी भी स्टार्ट करें, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि एक मियारी और अच्छी बिरयानी भी सुबह से यानी फजर से हम स्टार्ट करने का इरादा है, इंशाल्लाह करीब वो भी स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा टाइम हमारा आता है दोपहर का, ठीक है, तो दोपहर में भी हमारे पास जितने भी हैदराबाद के वयूराबा में और स्पेशली मजदूर कार तबका है, वो सारे यहाँ के यहाँ आते पर्सन लेके जाते हैं अपने वर्कशॉपों में, अपने दुकानों में और अपने फैक्ट्रीज में, क्योंकि एक तो मियारी खाने के साथ साथ हम क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा देता है, और क्वालिटी के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो हम बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कि लोगों को मुहैया करें खाने। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह शाम का खाना होता है, रात में भी जो आवाम है हैदराबाद के वयूर आवाम, तो वो भी आते हैं हमारे खाने से लुत्फानंदोज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पूरी पराठा और चाय आपने अपने आँखों से देखा, और ये जो आवाम का देखा, तो ये यकीनन एक अच्छी क्वालिटी और मियार के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मियार के ऊपर भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी के ऊपर भी हम दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे मुकाम जनाब फजर कादर साहब, अब्दुल कादर साहब, शाह तबीज़ भाई, यानी इन लोगों की नज़र निगरानी पर हम काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मनान चाचा था उसके जो 50 साल पहले जो क्वालिटी थी, जो जायका था, अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक वही उसी को बरकरार रख रहे हैं और मज़ीद भी उससे हम इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ पे मेन्यू तो बहुत सारा आपने बताया माशाल्लाह से, और मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा चलती है, वो मज़दूर भी वही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और जो आते हैं शाम को जो पढ़े लिखे लोग हैं जो आते हैं
तो वो भी वही खाना पसंद है। कोई एक ऐसी चीज, मेन्यू तो बहुत बड़ा, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो मतलब बहुत ज्यादा चलती है, जो लोग पसंद करते हैं, तो क्या है? बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, और दूसरी बात ये कि मैं कितना भी शुक्र अदा करता हूँ कम है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज मनों के हिसाब से बनती है। अच्छा, स्पेशली नारी देखे आप पूरे हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम है, क्योंकि गोश्त के ऊपर भी हम लोग मन नहीं करते, जहाँ पे जहाँ से हम घर के लिए अपना गोश्त लेके आता है वहाँ से हम लेके आता है, ठीक है, आपने जेर निगरानी लेके आता है, ठीक है, जैसे बकरे का नमकीन रोश हो गया, छने हो गए हमारे छोले, छोला पराठा वो बहुत ज़्यादा चलता है, यानी निहारी हमारे बहुत ज़्यादा चलता है, दालें हमारी बहुत ज़्यादा चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, चाय हमारी अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ज़्यादा चलती है, लस्सी भी मैंने देखी है, और लस्सी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत पुराना काम है ये, अगर आप देखें तो पहले हम हमारे पास मशीनें लगी होती थी लस्सी की हैदराबाद में, और दूसरी बात ये कि रात को जो हमने दाल फराए, चने दाल फराए, मर दाल फराए, मूँग दाल फराई, छोले छना फराई, अंडा छना फराई, ये कढ़ाई जो ईजाद की है ये हमारे मुख्तरम फजल कादर साहब ने लतीफाबाद के अंदर ईजाद किया है इसको, और लोगों ने बहुत पसंद किया है, अभी तक अल्लाह का शुक्र है जो कढ़ाई आपके सामने बन रही है ये लोग बहुत पसंद करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी चीज़ दें, मियारी चीज़ दें, और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। आप देखें, आप वेटर टेबल पे भी आपने देखा होगा कि एक कढ़ाई के ऊपर जो है ना चार पाँच बंदे बैठे चार पाँच बंदे, ये आप ये अपने आंखों से देखें, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं हम छोड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कारीगर जो है वो भी हमारे साथ छोटा हो जाता है और बड़ा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सफ़ेद दाढ़ियाँ हो जाती है, यहाँ तक कि मर जाता है ये, क्योंकि हम मजदूरों का ख्याल करते हैं और मजदूर हमारे ख्याल करते हैं, इसलिए हमारा क्वालिटी एक ही रहती है कि शुरू से लेकर एक बच्चा हमारे पास आ जाता है उसी को हम सिखाते हैं, फिर वो आगे आगे स्टेप बाई स्टेप आगे जाता है और वो हमारे साथ बूढ़ा हो जाता है माशाल्लाह। अब मुझे एक और बात बताएं कि यहाँ पे फैमिली हॉल और जेंट्स सिटिंग एरिया जो है वो भी पब्लिक को बताएं कि वो भी है आपके पास? बस वो भी इंशाल्लाह हम अलगरीबी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम फैमिली हॉल एक अलग बनाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैदराबाद से, कासिमाबाद एरिया से, सिटी से, और तमाम हैदराबाद से, यानी बहुत सारे फैमिलीज भी आते हैं, जैसी फैमिलीज भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और फिर एंड भी फिर वो हमारे को बोलते हैं कि भाई आप दोबारा लगाओ, कैलकुलेट कर दो कि भाई पैसे आपने कम बताए, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा रेट ही यही है, हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ भी दे, मियारी भी दे, और कम रेट पर भी दे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये तो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब मुझे ये भी, मुझे जो है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चलने वाली डिश है वो मुझे एक जो है बना के मुझे टेस्ट करवाएं ताकि मैं पब्लिक को बताऊं, यहाँ पे ये चीज़ है जो बहुत मशहूर है, मशहूर तो सारी चीज़ें हैं, कोई एक ऐसी स्पेशल चीज़ मेरे लिए, ठीक है, बना के आप मुझे टेस्ट करवाएं ताकि मैं पब्लिक को बातें करते करते बताऊं कि टेस्ट कैसा है, क्या मज़ा है, और जो है आपकी जो आप बता रहे हैं ना क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें पब्लिक को बताऊं। इंशाल्लाह आपने देख भी लिया और आप प्रैक्टिकली मैं आपको खिला भी दूंगा, फिर आप उसके बाद मुझे बता देना कि भाई इसमें कोई कमी बेशी है, तो इंशाल्लाह कमी बेशी नहीं होगी और आप खुश होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, अब हमें आप हमें टेस्ट करवाएं और फिर हम पब्लिक को बताएंगे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गाइस अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, अब आखिरी स्टेप हमारा ये है कि हमने सबसे बातचीत करने के बाद अपने पेट का भी ख्याल करना है, अब चलते हैं टेस्ट करते हैं पराठा वराठा जो भी भाई अपने अपने हाथों से बना के हमें खिलाएंगे वो हम टेस्ट करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें आपको सामने होंगी, आपसे बात करते करते दोनों चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, आए मेरे साथ। हाँ तो व्यूवर्स, इंतज़ार हुआ ख़त्म, मेन्यू आया मेरे पास, ये आप देख सकते हैं तीन चार किस्म की वैरायटी हैं जो भाई ने मेरे अपनी मोहब्बत में हमारे आगे पेश की, जो हम टेस्ट करेंगे आपको बताएंगे। भाई ने बोला दो चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी, ज़्यादातर लोग ध्यान रखते हैं क्वांटिटी का, मगर यहाँ पे दोनों चीज़ों का ख्याल किया जाता है, क्वांटिटी और क्वालिटी का। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन किस्म से बड़े प्यार से ये बनाई गई हैं पराठे, नान और कढ़ाई और छोला, और ये क्या है, लच्छा पराठा, पूरी पराठा, नान और न्यारी, इतनी सारी चीज़ें। तो अब मुँह में आ रहा है पानी, अब करते हैं उनसे बात जिन्होंने अपने प्यारे हाथों से ये बनाया, उनसे बात करना लाजमी है, उनका किरदार इसमें जो है आधा किरदार उनका है, उनके बगैर इसमें टेस्ट नहीं आता। चलो उनसे बात करते हैं। भाईजान
इधर आ जाए मेरे जवान, क्या हाल है? ये माइक लगा, माइक लगा, माइक के बगैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? 20 साल हो गए भाई। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? और तबीयत ठीक है? तो मुझे ये बताएं, पब्लिक को बताएं, ये कौन कौन सी चीज़ें? मैंने तो बता दी, आपके बताना और मेरे बताने में फर्क है। बताएं। अंडा चना है, कलेजी है, और ये न्यारी फ्राई है। अच्छा, नान है, पराठे। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप कढ़ाइयाँ बनाते हैं, वो कौन सी कढ़ाइयाँ हैं, चने की या जो भी है? मुझे ये बताएं कि कौन सी ज़्यादा चलती है यहाँ पे? अंडा चना और माश की दाल, न्यारी, ये ज़्यादा चलती है। तो आप पब्लिक को क्या बताएंगे? और चने की दाल होती है, माश की दाल भी होती है, और कीमा कढ़ाई भी होता है, कलेजी, चिकन कढ़ाई भी होती है। मेन्यू तो बहुत है माशाल्लाह से, भाई ने बताया बहुत मेन्यू माशाल्लाह आपके पास। मुझे ये बताएं, मैंने ये पूछा था कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत चलती है? बाकी चलते तो माशाल्लाह सभी चलते हैं। मैंने सुना था चने बहुत चलते हैं यहाँ पे, चने छोला जो भी। हाँ, तो व्यूअर्स को बताएं आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ भी, जो भी आप कहना चाहें कि यहाँ आए, ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आपका किरदार है, आपके बगैर ये होटल मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। आप टेस्ट डालते तो आवाम यहाँ आती है, इसलिए आपसे बात करना जरूरी था। हाँ, जो भी आए भाई खुशी से जाए। सही, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आए खुशी से गया, उसने दाल खाई है, न्यारी खाई है, ये अंडा चना खाया, कीमा खाया, वो माशाल्लाह खुशी से गया। चलो ठीक है, अब मुझे दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, पश्तो में, अच्छा तो आप पश्तो में कुछ बताएं। हाँ, पश्तो में हो जाए, मुझे समझ तो नहीं आएगी, बट मैं आपके लिए, आप ना पश्तो में जो है आवाम को कुछ बोलें, पश्तो में कुछ बताएं, मुझे समझ नहीं आएगा, आप समझ जाएंगे, बताएं। मग अपन यार बंदे, अपन को लेडी बंदे, अपन टोल जनरेट कोशिश करो, ये आवाम टोल खुशहाल है, अल्लाह का नाम मुया को मखल को जबरा और दखल को खिदमत को पचास पर नवा इंशाल्लाह आई दवा दगा खोले को लेडी और को लेडी बा इंशाल्लाह टोल खल को जमीन रहेगी और दादा पख्तून शान दे जागा अपन हिसाब किताब बरकरार सकी अपन मयार बरकरार सकी अलहमदुल्ला के बाद पचास साल मखे जमंग को मैार हो खत्म हो गया। समझ नहीं आया, मतलब सुनने का बड़ा मजा आया, गुड हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, अब चलते हैं टेस्ट की तरफ। हर चीज़, जितनी भी चीज़ें भाई ने अपने प्यार से हमारे आगे पेश की, तो वो आ गई हैं। अब चलते हैं, बैठते हैं सिटिंग एरिया में ऊपर, यहाँ बहुत गर्मी है, ऊपर चलते हैं हवा में, टेस्ट करते करते आपसे बात करें, चलते हैं आगे। हाँ, तो भाई लोग, इंतजार हुआ ख़त्म, मेन्यू आया मेरे पास, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मैंने बोला यार ये ऊपर ही लगा लो खाना वाना जो भी है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम है मेरे पास, अलग अलग डिशों के, अलग अलग डिशों के साथ अलग अलग पराठे। तो टेस्ट करते हैं यहाँ से, नान से, नान और ये हमारी निहारी। ओए होए, माशाल्लाह ये बहुत सॉफ्ट है, बस ऐसे ही लगाते के साथ ही अलग हो गई। इसको बड़े ही कवारे हाथों से प्यार से, ओए होए होए, मुंह में पानी आ गया। ये ऑयल, 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 बड़ा स्मूथ सा टेस्ट है इसका, और इसमें ब्राउन प्याज का टेस्ट आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो गाइस, इसका टेस्ट इतना बेहतरीन है, इसी वजह से तो ये यहाँ पे मनान होटल पे सबसे ज़्यादा चलने वाली ये निहारी है, और छोले भी हैं। जो सबसे ज़्यादा चलने वाली डिश हैं वो ये तीन हैं जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम अब, पहले हमने टेस्ट किया निहारी, अब टेस्ट करते हैं कढ़ाई। इसके साथ तो अच्छी नहीं लगेगी, इसी के साथ टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह, ये है कलेजी कढ़ाई, इसके साथ टेस्ट करते हैं। दिल तो कर रहा था इसके साथ, मगर इससे ये है कलेजी,
और ये इसको हल्का सा डिप किया फुल पंजाबी स्टाइल में, और ये इसका टेस्ट तो लाजवाब है। एक इसके साथ हो जाए, ये वही है जिसको हमने पिटते हुए दिखाया था। ये अमूमन चाय के साथ टेस्ट करते हैं, मगर अपन तो देसी बंदे हैं, अपन इसके साथ टेस्ट करते हैं। यह लच्छा पराठा जिसको हमने पिटते हुए दिखाया था, मजा आ गया। अब चलते हैं लास्ट डिश की तरफ, वो है अंडा छोला, जिसको पंजाबी में छोला नहीं चने कहते हैं। याद रखिएगा इसको, पंजाबियों के सामने कभी भी ये नहीं बोलना छोला, और आप इसको हमेशा बोलिए चना। मैं आपको मैनर्स भी सिखा रहा हूँ, ठीक है? आ जाए मेरे साथ, मैं थोड़ा सा इधर हो गया। ये देख रहे हैं, ये देखें मेरा मुंह देख ले और ये पराठा देख ले, माशाल्लाह से साइज बहुत आउट क्लास है। इसको अपने कवारे हाथों से यूं करके तोड़ेंगे। ये टूटा, साइज थोड़ा छोटा है, मगर आप इसको इग्नोर कीजिएगा, अपने मुंह के हिसाब से साइज लीजिएगा। तो ये है अंडा, ये है अंडा और ये है चना, याद समझ गए ना, समझ रहे हो ना? ये है अंडा और चने, मजा आ गया। इन तीनों डिशों का टेस्ट ऐसा है कि आप एक को टेस्ट करेंगे दूसरी भूल जाएंगे। तो माशाल्लाह से तीनों का टेस्ट बहुत आउट क्लास है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप मनान होटल पे आओ, ये टेस्ट करो और भाई को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये खाने के बाद कैसा लगा, और इसकी चाय भी जरूर टेस्ट करिएगा खाने के बाद। मैं तो देसी हूँ, मैं चाय टेस्ट करूँ या लस्सी, इससे क्या फ़र्क पड़ता। तो आपका जो दिल करे इसके साथ टेस्ट करो लस्सी चाय जो भी, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप आओ टेस्ट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने खाना ज़्यादा खाया कैसा है। अगर नहीं खाया तो आके खाएं, बिस्मिल्लाह करें, भाई को याद करें, और भाई को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका भाई आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहे। भाई लोग आप खाने के बाद फिर एंड में सबका शुक्रिया अदा करेंगे, फिर उसकी एंडिंग करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, तब तक आप इस व्यू को जो भी मैंने आपको दिखाया उसको एंजॉय करें, छोटी चीज़ें लस्सी चाय वाय जो भी उनको देखें किस तरीके से किस मसाले से ये बनाते हैं अपने कुंवारे हाथों से, तब तक आप वो देखें। मैं ये टेस्ट करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, थैंक यू सो मच।
खाना टेस्ट करने के बाद बड़ा मज़ा आया, तो जिन लोगों ने हमारी इतनी खिदमत की उनका शुक्रिया तो बनता है, तो करते हैं इनका शुक्रिया। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, आपने हमारी खिदमत की, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। हाँ, तो आपकी खिदमत बहुत बेहतरीन थी, बड़ा मज़ा आया खाना टेस्ट करके, बहुत ही आउट क्लास हर चीज़, जो जो हमने 3 डिशेज टेस्ट की बहुत ही आउट क्लास थी माशाल्लाह से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी पूरी टीम ने, हमारी पूरी टीम की बड़ी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की, हम याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, इन्होंने आपको हमने हर चीज़ दिखाई, यहाँ का व्यू, इन लोगों की खिदमत, जो इन्होंने हमारे लिए जो भी डिशें हमारे आगे पेश की माशाल्लाह से, उनका टेस्ट आउट क्लास था। तो आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो मनान होटल है ये सर्टिफाइड है, यानी कि इनके पास लाइसेंस भी है, तो इससे पता चलता है ये बहुत पुराना, बहुत कदीमी है। इनकी साफ़ सफाई भी आउट क्लास है, इनकी सर्विस भी आउट क्लास है माशाल्लाह से, हर चीज़ टाइम टू टाइम कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। तो मैं तहे दिल से ये पूरे मनान होटल का जो स्टाफ है उनको थैंक यू सो मच करता हूँ। तो अब लेते हैं इनसे अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिरी भाई बाहर से करते हैं मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। हाँ, तो भाई लोग अब लेते हैं अलविदा, बड़ा मज़ा आया, बहुत खिदमत की भाई लोगों ने, अब स्टाफ से लेते हैं अलविदा, इनको खुदा हाफिज़ करते हैं, खुदा हाफिज़ भाई लोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।